लक्ष्मी जी का लुक। हाँ, क्योंकि मुझे पता है, आई नो आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लुक चैलेंज, तो फाइनली मैं आज एक लुक चैलेंज लेके आ गई हूँ। और यार दिवाली आ रही है, तो जैसे हमें पता है दिवाली पे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की, तो मैंने सोचा क्यों ना यार लक्ष्मी जी का ही लुक रिक्रिएट किया जाए। तो मैं आज लक्ष्मी जी का लुक क्रिएट करने वाली हूँ, और मैंने वैसे अभी तक बहुत सारी तैयारी कर ली है। पहले मैं ना आपको सामान दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या करा है, तो चलो। क्योंकि यार मैं लक्ष्मी जी का लुक रिक्रिएट कर रही हूँ, ऑफकोर्स कि मैं जब तैयार हो जाऊंगी ना तो मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी रिकॉर्ड करूंगी, तो उसके लिए ना मैंने ये वाला बैकग्राउंड सजा के रख रखा है। मैं अभी दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या क्या लगा रखा है। तो यार ये ना मैंने ना खुद से घर पे ही सजाया है। यहाँ पे ना मैंने लाइट्स लगा रखी हैं, और यहाँ पे मैंने ये लड़ी लगा रखी है। और आप लोगों ने इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि यार ये वाली जो लड़ियाँ हैं ये मैंने खुद घर पे बनाई थी, है ना, आप लोगों ने जरूर देखी होगी, आई नो। तो अभी मैं आपको अपना सामान दिखाती हूँ लक्ष्मी जी का, जो भी मैं पहनने वाली हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, मैं तैयार होना स्टार्ट होती हूँ, ठीक है। तो गाइज अभी मैंने यहाँ पे सारा सामान रख लिया, और मैं अभी आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ ये मैंने सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लिया था, ये मुकुट, ये साड़ी, और ये मेरी सारी ज्वेलरीज है। तो गाइज अभी मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से नहीं दिखाऊंगी, जब मैं पूरी रेडी हो जाऊंगी अच्छी तरीके से तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं सबसे पहले अपना मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होंगी, तो चलो। तो गाइज अभी मैं अपने लक्ष्मी जी का लुक रिक्रिएट करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, ये रेड कलर की, क्योंकि यार जैसे हमें पता है कि लक्ष्मी जी रेड कलर की साड़ी पहनती है, तो मैं भी यू नो बिल्कुल उनकी तरह दिखने के लिए ये रेड कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ। अब ये साड़ी कैसी है वो तो जब मैं इसे पहनूंगी तब आपको पता चलेगा, वैसे ये साड़ी मेरी मम्मी की है। तो चलो अब जल्दी से मैं लुक रिक्रिएट करना स्टार्ट करती हूँ। 2000 years later. तो गाइस अभी मेरी दादी यहाँ पे मेरी साड़ी बांध रही है लक्ष्मी जी की, लेकिन हमें पूरा एक घंटा हो गया और ये साड़ी सेट होने में ही नहीं आ रही, इतना स्ट्रगल है साड़ी बांधने के पीछे, है ना दादी? Thank you.
माता का लुकअप। और यार मुझे तो ये लुक बहुत पसंद आया एंड आई नो आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। तैयारी से करने में ना पूरा दिन लग गया है। लेकिन अभी ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि अभी ना मुझे सबका रिएक्शन लेना है, रोहित का, मम्मी पापा का, दादी का, कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलो अभी ना मैं उन सबका रिएक्शन लेती हूँ और तब आपको बताती हूँ। और यार आपको मैं कैसी लग रही हूँ ना कमेंट्स में जरूर बताना। हाँ तो अभी ना हम छत पे आए थे शूट करने के लिए क्योंकि यार छत पे सूरज भी निकल रहा है और बहुत अच्छे से शूट हो जाता है। तो अभी ना हम नीचे जा रहे हैं और सबका रिएक्शन लेंगे। तो गाइस अभी मैं ऊपर से शूट करके नीचे आ चुकी हूँ और ऊपर तो बहुत अच्छे शॉट आ रहे थे। तो ना अभी मैं सबका रिएक्शन लेने वाली हूँ। तो अभी दादी तो बाहर गई है लेकिन रोहित यहीं पे है। तो पहले मैं रोहित का रिएक्शन लेती हूँ। रोहित यहीं पे है। रोहित देख मैं आज लक्ष्मी माता बनी हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं? तो गाइस मैंने ना अभी अपने सारे कपड़े चेंज कर लिए हैं और मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आज लक्ष्मी माता बनी थी और सबका रिएक्शन बहुत अच्छा था। तो खैर और हाँ आप लोग ना कमेंट्स में बताना कि आपको मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? तो अभी ना मैंने लक्ष्मी माता का लुक रिक्रिएट किया था ना, तो अभी सारा सामान फैल चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये रहा सारा सामान अभी यहाँ पे फैला पड़ा है। तो अभी ना मैं जल्दी जल्दी से सारा सामान यहाँ से साफ करती हूँ क्योंकि अभी मुझे आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे जो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, तो मैंने ना अभी ट्रांजिशन वीडियो भी बनाई थी तो उसमें जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना, तो अभी मुझे वो भी शूट करना है। बाकी का तो मैंने कर लिया जो लक्ष्मी जी वाला था, लेकिन जो स्टार्टिंग का होता है अभी वो शूट करना है। तो पहले मैं ना यहाँ से सारा साफ करती हूँ, उसके बाद वो शूट करूँगी। सो गाइस जैसा कि आपने इस ब्लॉग में देखा कि मैंने लक्ष्मी माता का लुक रिक्रिएट किया था और यार मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और वैसे हम लोग इसी दिन का है, आई नो कि मैं इन कपड़ों में हूँ क्योंकि यार आज धनतेरस है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पीला पीला पहन के ब्लॉग एंड करूँ। और मैंने अभी रील भी शूट की थी जो आपको जल्दी इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो हम सब की तरफ से आपको हैप्पी धनतेरस और आप लोग भी जल्दी से कॉमेंट्स में विश कर दो।